सबसे पहले आप मेरे को मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं टकला हुआ हूँ इसका मतलब मैं मनीष नहीं रहा क्या? कोई मुझे मनीष सिंस बोल रहा है, कोई मुझे साइतामा बोल रहा है, कोई मुझे टकलेश बोल रहा है। अरे भाई मैं वही हूँ जो था, बस मेरे अब बाल नहीं है। इसका मतलब मेरी पर्सनैलिटी तो ना चेंज हो गई। बाकी यार छोड़ो, आपके कमेंट्स पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आता है। जितना ट्रोल करना है करो यार, मैं तो आपका भाई हूं और आप मेरे भाई हो। आप कमेंट करो, मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो भाई लोग आप लोगों ने फ्री फायर का एडवांस ओवर खेलना शुरू कर दिया होगा, और अगर आपने शुरू किया है तो क्या आपने एडवांस ओवर में थालों को नोटिस किया है? अब आप सोच रहे होगे भाई थाला नहीं, थाला को हमने एडवांस ओवर नोटिस नहीं किया। इसीलिए तो आपको मेरी वीडियो डेली देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो में आपको ऐसे अननोन इंटरेस्टिंग चीजें बताते रहता हूं। तो एडवांस ओवर में बेसिकली हम लोगों को थाला स्पॉट हुआ है। थाला कहां मिला है, कैसे मिला, आपको मैं पूरे वीडियो में बताता हूं। और अगर आप एक गोल्ड फ्री फायर प्लेयर हो तो आपको सीजी 15 के बारे में तो पता होगा। बेसिकली बहुत टाइम पहले हमारे गेम से रिमूव हो गया था ये गन। ये एक SMG गन था, लेकिन इस SMG गन को आप लोग शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में यूज कर सकते थे। तो भाई लोग इस OB46 अपडेट के बाद हम लोगों को सीजी 15 वापस देखने मिल सकती है। अब वो कैसे देखने मिलेगी, कहां देखने मिलेगी, ये भी एक मिस्ट्री है जो कि मेरे को आपको पूरा समझाना पड़ेगा। तो वीडियो कहने जरूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसी कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे OB46 अपडेट में आने वाला है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आने जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो। इस वीडियो को शुरुआत करते हैं अपडेट नंबर 7 से। तो भाई लोग एडवांस और में सेटिंग्स के अंदर जाओगे, सेटिंग्स एंड डिस्प्ले में यहाँ पे नीचे में आपको जायरो का ऑप्शन देखने मिलेगा। यहाँ पे आप ले देखते हो जायरो इफेक्ट इन लॉबी, इसे ऑफ कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। मैंने इसे ऑन करके एडवांस ओवर खेला और मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया कि ये जायरो इफेक्ट इन लॉबी का मतलब क्या है, क्योंकि भाई लोग जायरोस्कोप नहीं है जो कि अदर बैटल रॉयल गेम में अवेलेबल होता है, वो जायरोस्कोप होता है, ये सिर्फ जायरो है। तो मेरे को कुछ खास समझ में आया नहीं कि आखिर कौन सा इफेक्ट देने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जब अपडेट में अगर इस फीचर को ऐड किया जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल लगता कि इंडियन सर्वर में फीचर आएगा, लेकिन अगर आता है तो उसके बाद अच्छे से टेस्ट करके हम बता पाएंगे। लेकिन अगर फ्री फायर जायरो का हिंट दे रहा है तो हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में या फिर आने वाले कुछ 3-4 अपडेट बाद हम लोग को जायरोस्कोप भी देखने मिल सकता है गेम में, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है यार। अब तो अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 6 की तरफ, और ये अपडेट है क्लैश स्क्वाड को लेके। तो बेसिकली अभी के टाइम पे क्लैश स्क्वाड में काफी फीचर्स नए नए ऐड होते रहते हैं, और बहुत सारे फीचर को देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये क्लैश स्क्वाड को अच्छा किया, और बहुत सारे फीचर को देख लगता है कि क्लैश स्क्वाड बेकार हुआ। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर क्लैश स्क्वाड में ऐड हुई है, वो है MVP से रिलेटेड। अगर आप अपने पूरे टीम में MVP रहोगे तो आपके सर के ऊपर एक MVP जैसा एक सिंबल आएगा, जो कि दर्शाएगा कि भाई आप एक अच्छे प्लेयर हो, और गेम खेलते टाइम आपको मोटिवेट भी करते रहे कि भाई आप अच्छे किल कर रहे हो, आप MVP हो, तो आपको और अच्छे से गेम खेलना है। ये आपको दिखेगा, साथ ही आपके टीममेट्स को भी दिखेगा, और एनिमीज को मे भी नहीं दिखेगा शायद ये। तो हाँ, ये अपडेट छोटा है लेकिन काफी बढ़िया अपडेट था ये। और ऐसी अपडेट्स लाओ यार BR के अंदर भी, क्योंकि BR खेलने में आजकल बहुत ज्यादा बोरिंग फील होता है। अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 5 की तरफ, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी के टाइम हमारा स्काइविंग होता है गेम के अंदर, काफी बोरिंग से स्काइविंग है, देख के मजा नहीं आता स्काइविंग को। तो इस अपडेट के बाद एक स्काइविंग की स्किन में भी ऐड होने वाली है। बेसिकली स्किन है तो कंफर्म है, लेकिन इंडियन सर्वर में कब तक आएगी ये कंफर्म नहीं है। एक इवेंट में आने वाली है, और वो स्काइविंग दिखती कैसी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जब आप उस स्काइविंग को लेके नीचे लैंड करोगे तो भाई पूरा रॉयल एंट्री होगा आपका। आप लोग बैकग्राउंड में क्लिप देखते हो कि भाई मतलब क्या है ये, अब इसका नाम स्काइविंग ही होगा या फिर ये यिंग यांग ऐसा कुछ तो मुझे सुनाई में आया। मे भी हो सकता है स्किन का नाम होगा यिंग यांग, अब पता नहीं भाई ये इवेंट है या ये स्किन का नाम है या फिर स्काइविंग का नेम चेंज करके इसे यिंग यांग दिया जाएगा, ये तो अपडेट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये भाई एंट्री देखो क्या करता है भाई ये एंट्री। आपको ये स्काइविंग की स्किन कैसे लगी है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, मुझे तो भाई बहुत बढ़िया लगी। अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 4 की तरफ, और ये अपडेट आई डोंट नो आपने नोटिस किया या फिर नहीं, और इस अपडेट के पीछे आपने फैक्ट भी नोटिस किया या फिर नहीं मेरे को नहीं पता। तो चलो अपडेट और फैक्ट दोनों में आपको बताता हूं। तो बेसिकली पिक में आपको मतलब गेम में जो पिक है ना, पिक में आपको यहां पे एक ऐसा स्टेज देखने मिलेगा, और उस स्टेज में आप लोगों को मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है यार साला, वो ट्रिप से घूम के आया हूं तब से। तो पिक में आप लोगों को यहाँ पे एक स्टेज देखने मिलेगा, और स्टेज में वहाँ पे आप लोगों को एक ट्रॉफी देखने मिलेगा। तो इसको देख के आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि ये किस चीज का है। बेसिकली बहुत जल्दी हमारा FFWS आने वाला है। FFWS का मतलब होता है फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट होता है फ्री फायर का। सो मे बी ये होस्ट होने वाला है नवंबर के आसपास, तो नवंबर में होने वाला है। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे गेम के अंदर ऐसा कुछ दिया जाएगा, ट्रॉफी रहेगी और स्टेज रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहली बात ये इंडियन सर्वर में आएगा या फिर नहीं, क्योंकि इंडिया में तो अभी फ्री फायर है ही नहीं, और वर्ल्ड सीरीज वगैरह टूर्नामेंट भी इंडिया के लिए नहीं है, तो ये आएगा या फिर नहीं। देखो यहाँ पे मिक्स्ड से मेरे आंसर रहेंगे। इवेंट जो होता है ना, ये बेसिकली इवेंट का पार्ट रहेगा, क्योंकि उसमें काफी सारे रिवॉर्ड्स भी रहेंगे ना, तो मे बी इंडियन सर्वर के लिए आएगा। क्योंकि इवेंट्स भाई गेम चाहे चले ही क्यों ना, बंद ही क्यों ना हो जाए, इवेंट्स बाकी रहेंगे। और बात रही क्या ये ईस्टर एग है या फिर ये कोई एक हिंट है अपने गेम का रिटर्न का, तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि ये गेम के रिटर्न का हिंट या फिर ईस्टर एग होने वाला है। तो मुझे इस बार भी डाउट है कि नवंबर महीने में जो फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज होगा उससे इंडिया की टीम जाएगी या फिर नहीं जाएगी, मुझे काफी ज्यादा डाउट है इस चीज का। और जहां तक मुझे लग रहा है शायद से नहीं जाएगी, गेम ही नहीं है तो कहां से जाएगी।
जाएगी। लेकिन फिर भी भाई होप, होप तो अभी भी है अपने पास। होप इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूनिवर्स। सो होप है तो पूरी दुनिया कायम है यार। अब भाई लोग बढ़ते हैं अपडेट नंबर 3 की तरफ और यहाँ पे बेसिकली मैं गन के बारे में बात करने वाला हूँ। अब इस गन के बारे में आपको पहले ही बता दी, लेकिन इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं कौन से गन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ M590 के बारे में, मतलब M590 के बारे में। बेसिकली एक शॉटगन है और मैंने आपको पहले बताया था, बस मैंने उस वीडियो में आपको मॉसबर्ग 500 बताया था, तो यहाँ पे 500 को जाके 590 कर दिया गया है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ एक गोली होने वाली है, और सच में भाई इसमें एक ही गोली है। लेकिन इस एक गोली में कितनी पावर है, बेसिकली सबसे पहले आप इसका रेंज देख लो भाई, इस शॉटगन का रेंज कितना ज्यादा है। भले इसमें एक गोली रहेगी लेकिन इसका रेंज देखो भाई, आप इतने रेंज में बंदों को मिड रेंज में भी मार सकते हो इस शॉटगन से। और इस शॉटगन का डैमेज तो देखो यार, इसका डैमेज अप्रोक्सीमेटली 150-160 के बीच में आ रहा है एक गोली में। लेकिन फिर भी इसका रेंज देख के मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया भाई। एक गोली है और रिलोड भी काफी जल्दी होता है, लेकिन इसका रेंज हाई साहब, मतलब ये शॉर्ट रेंज के लिए गन नहीं बनी है भाई, ये मिड रेंज के लिए बनी है गन। और बाकी देखते हैं जब अपडेट के बाद ये आएगा गेम में तो कितना तबाही मचाता है, क्योंकि शॉर्ट रेंज में काम नहीं आएगा। लेकिन बात रही मिड रेंज की, अगर आपको यूज करना आ गया तो फिर भाई डेंजरस गन रहेगा यार ये तो। बाकी आप लोगों को M590 गन कैसी लगी थी, आपने एडवांस में खेला तो आपने यूज किया होगा ना, तो आपने यूज किया तो कैसे लगी मुझे कहोगे जरूर से बताना। और मेरा ओपिनियन की अगर बात करूं तो शॉर्ट रेंज में बिल्कुल टट्टी है, लेकिन वही अगर आप डिस्टेंस लेके मारते हो तो फिर तो भाई ये गन काफी ज्यादा मजेदार है। अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 2 की तरफ और गाइस यहां मैं बात कर रहा हूं बहुत सारे ओल्ड प्लेयर्स के इमोशन के बारे में। यहां मैं बात करने वाला हूं CG15 गन के बारे में। सो भाई बेसिकली यहां पे आप क्लिप देखते हो, वेंडिंग मशीन के अंदर यहां पे आपको CG15 गन देखने मिलेगी, जो कहीं आपको शायद पड़ी नहीं मिलेगी या फिर एयर ड्रॉप में देखने मिल सकती है। यहां पे तो वेंडिंग मशीन में इसे देखा हूं और ये CG15 गन आपको मिलेगी वेंडिंग मशीन में। फिलहाल तो मेरे को वेंडिंग मशीन में मिली थी। और एक और चीज मैंने नोटिस की कि मेरे को बाकी मैप्स में नहीं मिला, परगेट्री खेला मैंने नहीं मिला, कलहारी में भी नहीं मिला, नेक्स्टर में भी नहीं मिला, सिर्फ मेरे को ये BR में मिला, मतलब कि बरमूडा में मिला। तो हो सकता है फिलहाल के जब CG15 गन लॉन्च होगी तो सिर्फ और सिर्फ बरमूडा मैप के अंदर हमको देखने मिलेगी, वो वेंडिंग मशीन के अंदर या फिर कोई एयर ड्रॉप के अंदर। बाकी जितने भी यहाँ पे ओल्ड प्लेयर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग CG15 गन को देख के थोड़ा सा इमोशनल हुए या फिर नहीं? मैंने जब पहली बार देखा तो मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन लगा यार। अब फाइनली बढ़ते हैं अपडेट नंबर 1 की तरफ और ये अपडेट होने वाला है थाला को लेके। तो बेसिकली आपको NPC के बारे में पता है, NPC क्या होता है? सो बेसिकली NPC का मतलब होता है नॉन प्लेयर कैरेक्टर या फिर नॉन प्लेइंग कैरेक्टर। तो क्राफ्टलैंड के अंदर जब ये कोई भी क्राफ्टलैंड बनाते हो, अगर आपने कभी भी क्राफ्टलैंड खुद से बनाया है, आपने क्राफ्टलैंड का मैप थोड़ा सा बनाया है, तो उसमें आपको पता होगा कि हम बहुत सारी चीजों को ऐड करते हैं, कंटेनर वगैरह। तो वहीं पे एक NPC का ऑप्शन होता है, उस NPC ऑप्शन के अंदर आपको एक देखेगा टेस्ट बॉय, और टेस्ट बॉय देख के हैरान मत होना क्योंकि ये एक थाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको थाला भी देखने मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, गेम के फाइल्स के अंदर क्राफ्टलैंड के अंदर हमको देखने मिलेगा ये, और ये एडवांस सर्वर की बात कर रहा हूँ भाई मैं तो। और यहाँ पे जब मैंने थाला की कैरेक्टर एबिलिटी देखने की कोशिश की तो मुझे थाला का कैरेक्टर एबिलिटी देखने तो नहीं मिला, बट ये एक अच्छा साइन मुझे लग रहा है या फिर ये कोई साइन ही नहीं है, ये फिर से काटने की टेक्निक है ये मेरे को नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज काफी पहले से ही है, इसे हमने अभी नोटिस किया है, क्योंकि थाला कैरेक्टर गेम के फाइल्स में तो भाई 6-7 महीने पहले ही ऐड हो चुका था। बाकी आप लोगों ने एडवांस सर्वर में NPC के अंदर थाला कैरेक्टर को नोटिस किया था जो कहोगे जरूर से बताना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपको वीडियो पसंद आया ही होगा, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक, तो जाके वहां पे हमें फॉलो भी कर लेना, क्योंकि वहां पे बहुत से इंटरेस्टिंग अपडेट में यूट्यूब में आने से पहले ही देता हूं, आप लोग व्हाट्सएप चैनल जाके चेक कर सकते हो। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।